इस समय मौजूद है रायबरेली के रेलवे स्टेशन पे। अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव को लेकर जहां आम लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही, अगर आम लोगों की बात की जाए तो वो मताधिकार का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग यहां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में किसके चेहरे को वो सामने लाना चाह रहे हैं या किसको पसंद करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिए। ललित यादव। 2022 का चुनाव नज़दीक है, इस बार किसकी सरकार आप लोग देख रहे हैं यूपी में? अखिलेश यादव। क्या विशेषता है, किस लिए अखिलेश यादव को आप पसंद कर रहे हैं? उनके काम बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2022 में किसकी सरकार वह चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दादा, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार वर्मा। दादा, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है? एक छोटे से लेकर बड़े आदमी तक अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, तो इस बार आप लोग को क्या लग रहा है यूपी में किसकी सरकार आने की संभावना? हम तो चाहते हैं कि यूपी में सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है बहुत से फायदे हैं, बहुत सा विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा। अच्छा दादा, आप यूपी में बोल रहे हैं बीजेपी की ही सरकार आ जाए, आखिर कुछ ऐसे फ़ायदे बताइए जिसको जाने कि समझे कि इन चीज़ों से हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। कोरोना काल में बहुत से फ़ायदे मिले हैं, जैसे कि राशन फ्री मिला, गैस फ्री मिली, पब्लिक को ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, काम अच्छे किए हैं, हम तो चाहते हैं कि वही सरकार आवे। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, युवा हैं काफ़ी और युवाओं के ऊपर देश की काफ़ी जिम्मेदारी होती है। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दें। मनोज कुमार। अच्छा, ये बताएं, 2022 का चुनाव नज़दीक है, युवा हैं, आप किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? बीजेपी आएगी। अच्छा, युवाओं की बात की जाए तो युवा वर्ग का कहना है कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी, ना व्यवसाय मिला ना रोज़गार मिला, तो हम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? हमें तो यहाँ सही लग रहा है सर, और उसके बाद जो है राशन मिला है, गैस मिली है, पैसा मिला है, सब कुछ की पूरी पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आनी पाई। नहीं, अगर बात की जाए रोज़गार की, तो रोज़गार के लेकर के आपका क्या कहना है? रोज़गार तो सर जी कोरोना काल में मिला ही नहीं, सभी लोग तो घर ही पे बैठे थे, कोई रोज़गार नहीं था किसी के पास, बस यही एक दिक्कत। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, सबसे पहले अपना नाम पूछने बता दीजिए। मोहम्मद लेकर के आपका क्या कहना है? रोज़गार तो सर जी कोरोना काल में मिला ही नहीं, सभी लोग तो घर ही पे बैठे थे, कोई रोज़गार नहीं था किसी के पास, बस यही एक दिक्कत। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मोहम्मद रमजान। अच्छा, 2022 का चुनाव नज़दीक है, इस बार आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? हमारी तो राय यही है कि सपा की सरकार आए, आज नहीं 5-10 जब सरकार उसकी थी बहुत अच्छा काम था, इन्होंने जितने फायदे केवल मुँह से अपने जवान से बता देते कि ये करना है, ये चीज़ लागू होगा, आज तो लोग इतनी सरकार इतने टाइम हो गई, अभी न उनको उनके पब्लिकों के सामने न कुछ दिखाया गया न कुछ, धंधे वाले भी परेशान थे, बिजनेस वाले भी परेशान, हर लाइन के लोग जो है परेशान। आज की डेट ये है कि डीजल जो है इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आज हम लोगों की जो है बिजनेस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो भी है, हमको सपा अच्छी थी, सपा आए अच्छी। अच्छा, आप बार बार बोल रहे हैं सपा सरकार आ जाए, सपा सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे ना जिनको लेकर के आप बार बार बता रहे हैं? इसीलिए तो मैं उसका नाम कर रहा हूँ। हाँ, तो कौन से ऐसे कार्य हैं? काफ़ी काम करे हैं, बताएंगे। थाने में जो है लोग जाते थे, रिपोर्ट लिखाते थे, जो है नहीं सुनवाई होती थी, आज उसी की देन है कि 100 नंबर जो है आके जो है घर पे खुद समझौता करवा के जो है फाइनल करवा के जो है केस चली जाती है, और नहीं लोग थाने में जाते थे ऐसे चले आते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो आज उसी की देन तो है। आज लखनऊ के अंदर जहाँ पे जो है कोई नहीं जाता था, आज वो चानो चान बना दिया, उसने बहुत कुछ किया। अब हमारी पसंद तो उसी की है, अब लोगों की क्या पसंद है क्या नहीं मतलब। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री में तो जो है मोदी तो ठीक है, मोदी से कोई दिक्कत नहीं, मोदी तो प्रधानमंत्री है, इधर की सरकार जो है सब अखिलेश यादव होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हो या ना हो, हम लोग इस बार
सपा सरकार चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वह किसको मताधिकार अपना मत देने का प्रयोग करेंगे। भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद वसीम। अच्छा, 2022 का चुनाव नज़दीक है, इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर किसका चेहरा आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है बदलाव होना चाहिए, चाहे कांग्रेस आए, सपा आए या बीजेपी आए, काम होना चाहिए। इस सब का कोरोना काल में कुछ हुआ नहीं, पब्लिक बहुत परेशान हुई, महंगाई की सरकार जो है चल रही पब्लिक। अगर बात की जाए, आप कुछ बोल रहे हैं भाई साहब सरकार महंगाई को लेकर के, इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर किसका चेहरा आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है बदलाव होना चाहिए, चाहे कांग्रेस आए, सपा आए या बीजेपी आए, काम होना चाहिए। इस सब का कोरोना काल में कुछ हुआ नहीं, पब्लिक बहुत परेशान हुई, महंगाई की सरकार जो है चल रही पब्लिक। अगर बात की जाए, आप कुछ बोल रहे हैं भाई साहब सरकार महंगाई को लेकर के, कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि सरकार जो है हर पाँच वर्षी पे जो है बदलना चाहिए, तो आदमी को, पब्लिक को, जनता को जो है जानकारी हो कि कम से कम ये चीज़ उनकी सरकार में बदला गया, वो चीज़ उनकी सरकार में। तो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जनता को होती कि इनकी सरकार में ये काम हो, उनकी सरकार में ये काम हो, यही कहना मैं चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, यात्री हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे, युवा हैं, इस बार 2022 में किसकी सरकार आप उत्तर प्रदेश में देखना चाहेंगे? इस बार जो है ठीक है, जैसे भी चल रही है सरकार चल रही है, और योगी जी की सरकार ठीक ही चल रही है, और इस बार भी जो है योगी सरकार की सरकार जो है फिर से दोबारा आएगी। अच्छा, कारण क्या है कि योगी जी की ही सरकार आने के लिए आप पुनः बोल रहे हैं? अब बहुत सारी योजनाएं हैं जो योगी सरकार जो चला रही है, और लोगों को फ़ायदा जा रही है, लोगों गांव-गांव तक ये इनकी योजनाएं पहुँच रही हैं, और उनसे लोगों को लाभ है, फ़ायदा हो रहा है, और आगे आने वाले भविष्य में भी लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, युवा हैं, युवाओं के लिए इस सरकार में लोगों का कहना है कि रोज़गार की व्यवस्था नहीं, कहाँ तक आप सहमत हैं? अरे सहमत क्या, जो है जो भी है कि मतलब अब सर कोशिश कर रही है सरकार लोगों को रोज़गार देने का, और आगे भी जो है इनका जारी रहेगा रोज़गार देने का। भाई साहब, आप अभी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, पहले प्लेटफॉर्म टिकट कितने का था और अब कितने का है? उसमें कोई संशोधन नहीं, उसमें कोई संशोधन नहीं। अच्छा, रेलों के इजाफा हुआ है, किराए में कुछ इजाफा हुआ है या घटोतरी हुई है? हम लोग ज़्यादा सफ़र करते नहीं, कभी कभार आते हैं, क्या करें। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव को लेकर आम जनमानस में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही, किसी ने बताया योगी तो किसी ने बताया अखिलेश यादव। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा किसके सर बनता है। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।